हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक। तो आज हम देखते हैं कि पिंक व्हाट्सएप के बारे में एग्जैक्टली ये है क्या। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये तो अपना नॉर्मल व्हाट्सएप है जो आप डेली यूज़ करते हो। लेकिन अभी जो एक व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक फॉरवर्ड हो रही है, जो आप किसी अननोन ग्रुप में ऐड हो या किसी ग्रुप में ऐड हो, तो कुछ लोग आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं, उससे आपको एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपना जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उसकी थीम चेंज कर सकते हो, जैसे कि पिंक कलर में। तो इसमें आपको क्या कहते हैं कि आपका थीम चेंज हो जाएगा, जो ऐप का कलर है वो चेंज हो जाएगा, जो आपके जो पुराने व्हाट्सएप में फ़ीचर होते हैं उससे एडिशनल फ़ीचर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ऐसा आपको कहा जाता है। जैसे कि आप अभी कुछ आर्टिकल देख सकते हो, DNA के व्हाट्सएप यूजर्स बिहेव, व्हाट्सएप पिंक कैन हैक द मोबाइल फ़ोन। जैसे कि आप इंडिया टुडे का देख सकते हो, व्हाट्सएप पिंक इज़ अ न्यू वायरस टारगेटिंग टू द व्हाट्सएप यूजर्स। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पर देखने मिलेंगे जो कि अभी वायरल, व्हाट इज़ अ व्हाट्सएप पिंक, हाउ इट वर्क्स, हाउ टू सेव फ्रॉम इट। तो इसके लिए आपको जो ये फॉरवर्डेड मैसेज आता है, तो जैसे आप उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला विंडो देखने मिलेगा। जैसे आप इसका APK इंस्टॉल करोगे तो आपका जो ऐप है आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर दोगे। जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करोगे तो जो भी आपका डेटा है, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, जो भी आपके बैंकिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो सारा आपका फ़ोन का डेटा वो हैकर्स के हाथों में चला जाएगा। उससे क्या होता है कि आपका वो पूरा फ़ोन एक्सेस कर सकता है, जिसका आपको बैकग्राउंड में कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको बीवेयर रहना है कि आपको कोई जो थर्ड पार्टी ऐप है वो आपको डाउनलोड नहीं करने है, जैसे कि आपके फ़ोन में वो सारा डेटा हैक हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जो अलग अलग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप गोल्ड, GB व्हाट्सएप, तो उससे क्या होता है कि जो भी आपको ये थर्ड पार्टी ऐप बनाते हैं वो आपको पता नहीं होता कि वो कौन होते, कहाँ से वो आपका डेटा हैक कर रहे हैं। तो इससे जो आप थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है जिसमें आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप वो डाउनलोड करते हो तो वो आपका जो सारा डेटा है वो हैकर के हाथों में चला जाता है, उससे आपका जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है, मतलब उनके हाथों में चला जाता है। तो उससे आपकी जो प्राइवेसी है, आपके सारे जो फोटोज़, वीडियोज़, जो भी आपका बैंकिंग रिलेटेड डेटा है वो हैकर्स के हाथों में चला जाने की वजह से आपका जो बैंकिंग में जो फ्रॉड होते हैं, जो आपका डेटा लीक होता है, तो ये सारे जो इशू आपको देखने मिलते हैं तो इसी के रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रख के जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हो वो ट्रस्ट होना चाहिए, और जो वो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि अभी व्हाट्सएप हुआ, तो आपको ये पिंक व्हाट्सएप बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ये एक आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसे जो मैसेजेस आते हैं उसको आपको क्लिक भी नहीं करना है और उसको फॉरवर्ड भी नहीं करना है।